वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुपर ट्रिक टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट सल्फेट फास्फेट एंड क्लोरेट पर क्लोरेट। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर आप लोगों को पॉलीटर्मोकाइन दिए गए हो तो आप लोग उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को गौर से देखना, बिल्कुल आसान वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले तो इनके स्ट्रक्चर में आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट का पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ों को लिखते हैं। कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये पहले का स्ट्रक्चर हो गया। माइनस टू है तो माइनस टू चार्ज आ गया। उसके बाद दूसरे का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम लोग सल्फेट का, ये सल्फर है, ये डबल बॉन्ड ओ है, ये भी डबल बॉन्ड ओ होता है, ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव होता है तो ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। उसके बाद तीसरे का स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग फास्फेट का, उसमें भी ये वाला पी होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ होता है, और तीन ऑक्सीजन जो होते हैं यहाँ पर, ये तीनों माइनस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसलिए पी ओ फोर यानी कि फोर ऑक्सीजन है और माइनस तीन चार्ज है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला आता है, उसका भी स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, ये वाला सी एल होता है, उसमें क्लोरीन सेवन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आप लोग गौर से देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला जो है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे मालूम करना है आप लोगों ने, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड, यहाँ पर एन ओ का मतलब है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कैसे मालूम करने या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह मालूम करने। तो ये जो ऊपर स्ट्रक्चर लिखा है और से देखें हम लोग, सबसे पहले हम इसका बॉन्ड ऑर्डर लिख लेते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग बॉन्ड कौन से होंगे, ये वाले जो आप लोगों को बॉन्ड या लाइनें नजर आ रही हैं, ये हमारे पास रेजोनेटिंग बॉन्ड है। तो आप लोगों ने टोटल काउंट कर लेना कितने, ये वन टू थ्री एंड फोर। तो जब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर किसका जी, सी ओ थ्री माइनस टू का, तो इसमें रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने आ रहे हैं, रेजोनेटिंग बॉन्ड इसमें आ रहे हैं वन टू थ्री फोर। तो फोर आप लोगों ने ऊपर लिख देना डिवाइड बाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है, तो ये जो नीचे वैल्यू लिखी होती है ना, ये वैल्यू होती है हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या पुट कर देंगे, थ्री, तो ये आपके पास फोर बाई थ्री बॉन्ड ऑर्डर आ गया किसका, सी ओ थ्री का। ठीक है, इसी तरह हम लोग दूसरी एग्जाम्पल करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर किसका, एस ओ फोर माइनस टू का। अब इस केस में देखें, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें सल्फर के कितने बॉन्ड बांध रहे हैं रेजोनेटिंग बॉन्ड, तो वो देख लें, टोटल काउंट कर लें, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो आप लोग सिक्स वैल्यू पुट करेंगे ऊपर, और नीचे कौन सी वैल्यू पुट करनी है आप लोगों ने, जो ये लिखी होगी ये वाला, तो ये नीचे आप लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो आप लोग कैंसिल कर दें इसको, तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, थ्री बाई टू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह पी ओ फोर के केस में देख लें आप लोग, बॉन्ड ऑर्डर किसका, पी ओ फोर माइनस थ्री, पी ओ फोर का स्ट्रक्चर ये लिखा है। फास्फोरस के बॉन्ड चेक करें आप लोग, रेजोनेटिंग बॉन्ड टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव ऊपर लिखेंगे, नीचे कौन सी वैल्यू पुट करनी है आप लोगों ने, ये जो दी होगी फोर, तो फाइव बाई फोर आगे बॉन्ड ऑर्डर किसका, पी ओ फोर का। इसी तरह लास्ट पे हम लोग लिख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर किसका जी, सी एल ओ फोर माइनस वन का। सी एल ओ फोर का स्ट्रक्चर ये देखें, यहाँ पर क्लोरीन के बॉन्ड कितने बांधने हैं, सेवन, डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी बैठे में। ठीक है, तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सी एक वीडियो थी। ठीक है, उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल केमिस्ट्री एकेडमी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।